Hello friends, good morning. So today we will start unit 4. In last class we have completed our unit 5. Now we will start unit 4, that is rotary fan, blower and compressor. Okay. So हमने देखा टर्बो मशीनरी इक्विपमेंट जो होता है, टर्बो मशीनरी जो होती है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड होती है, दैट इज टू जनरेट, विच जनरेट एनर्जी और एब्जॉर्ब एनर्जी और ट्रांसमिट एनर्जी. ठीक है, अब हम जो फैन, ब्लोअर और कंप्रेसर की बात कर रहे हैं तो हम ऐसी टर्बो मशीन की बात कर रहे हैं जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. अब एडिशन ऑफ एनर्जी कैन डन टू थिंग्स. ठीक है, जब हम किसी टर्बो मशीन में एनर्जी ऐड करें तो दो काम करती है, या तो फ्लूड को कंप्रेस करती है या उस फ्लूड को मूव करती है. अब अगर हमारा जो वर्किंग फ्लूड है अगर वो लिक्विड है, फ्लूड दो टाइप के होते हैं हमको पता है, लिक्विड और गैस. अगर हमारा वर्किंग फ्लूड लिक्विड है तो हम उसको बोलते हैं पंप. ठीक है, जो हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ा, रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ा, वहाँ पे जो हमारा वर्किंग फ्लूड था वो क्या था, वाटर था या कोई और भी लिक्विड हो सकता है. तो जब वर्किंग फ्लूड लिक्विड होता है तो हम उसको बोलते हैं पंप, और जब जो वर्किंग फ्लूड हमारा वो गैस होता है तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं फैन, ब्लोअर और कंप्रेसर. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि कंप्रेसर क्या कर रहा है, कंप्रेसर नाम फैन, ब्लोअर और कंप्रेसर क्या कर रहा है, वर्किंग फ्लूड कौन क्या है हमारा, एयर या कोई भी गैस है उस पर वर्क कर रहा है और एक कंप्रेस्ड एयर क्रिएट कर रहा है. अब उस कंप्रेस्ड एयर का एप्लीकेशन क्या है देखते हैं. वो जनरली कंप्रेस्ड एयर कहाँ यूज होती है, टू पावर स्मॉल इंजन. स्मॉल इंजन को पावर करने के लिए यूज होती है, या कोई छोटे छोटे डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए यूज होती है. जब रोड बनती है तो वहाँ पे ड्रिलिंग हैमर्स के लिए यूज होती है, डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए यूज होती है. माइनिंग में इसका बहुत ज़्यादा काम होता है कंप्रेस्ड एयर का. जो ऑटोमोबाइल चलती है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं उसमें जो ब्रेक्स होते हैं वो ऑपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्रेस्ड एयर, लाइक बसेस, ट्रक्स, ट्रेन्स. बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मॉडरेट प्रेशर की, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर नहीं, मॉडरेट प्रेशर की जो एयर रहती है उसका यूज़ होता है स्मेल्टिंग पर्पस में होता है, जो अलग अलग मेटल की स्मेल्टिंग करते हैं हम. बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एयर हम जनरली हम अपने डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनिंग में, वेंटिलेशन में. ठीक है, तो ये सब एप्लीकेशन होता है कंप्रेस्ड एयर का. अब जो ये तीन टाइप के तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, फैन, ब्लोअर और कंप्रेसर, तो अपन इसमें देखते हैं तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले अपन फैन देखते हैं. फैन क्या होता है, फैन इज अ डिवाइस हुज प्रेशर रेशियो इज अप टू 1.11. इसका प्रेशर रेशियो 1.11 है. अब प्रेशर रेशियो से मतलब क्या होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ एग्जॉस्ट प्रेशर अपॉन इनलेट प्रेशर. जब या एग्जॉस्ट प्रेशर या डिस्चार्ज प्रेशर दोनों बोल सकते हैं अपन, मतलब प्रेशर आउटपुट अपॉन प्रेशर इनपुट इज कॉल्ड प्रेशर रेशियो. तो फैन में आने से पहले एयर का कितना प्रेशर था और फैन में आने के बाद जो भी एयर या गैस है उसका कितना प्रेशर हुआ, दोनों के रेशियो को बोलते हैं प्रेशर रेशियो. तो जो फैन है वो 1.11 तक के प्रेशर रेशियो क्रिएट करता है. ठीक है, अब हम अपने घर का ही फैन देख लिए, हम उसको गर्मी में यूज़ करते हैं तो क्या करता है, वो एक फोर्स्ड कन्वेक्शन क्रिएट करता है, जो कि क्या करता है, हमारे स्किन के ऊपर से एयर को एक पर्टिकुलर एक वेलोसिटी से मूव कराता है, जिस कारण फोर्स्ड कन्वेक्शन होता है. वहाँ पे प्रेशर राइज क्या होता है, बहुत कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ही प्रेशर राइज होता है. ठीक है, तो उस प्रेशर राइज का क्यों करना पड़ता है, वो प्रेशर राइज क्योंकि जो भी लॉसेस होते हैं उसको कंपनसेट करने के लिए हम वहाँ पे जैसे फैन की ब्लेडिंग के कारण लॉस, रेजिस्टेंस कारण, और इसलिए उतना प्रेशर राइज करना पड़ता है. बाकी जो इनलेट और आउटलेट प्रेशर है वो ऑलमोस्ट एम्बिएंट प्रेशर ही, मतलब जब हमारे पास एयर पहुँचती है तो वो भी एम्बिएंट प्रेशर जितनी ही होती है. ठीक, तो जो प्रेशर राइज हो रहा है वो क्या हो रहा है, ताकि वो लॉसेस को ओवरकम कर सके. ठीक है, तो जो फैन है उसका बेसिक काम क्या है, वो लार्ज अमाउंट ऑफ एयर या गैस को मूव करता है और वहाँ पे प्रेशर का इंक्रीमेंट बहुत कम होता है. ठीक है, तो ये फैन हमने देखते हैं, जो सीलिंग फैन है हमारा वो फैन है, टेबल फैन है. ठीक है, दिस ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फैंस. फैन का क्या काम होता है, इट इंक्रीजेज द प्रेशर अप टू 1.11 टाइम्स, या प्रेशर रेशियो 1.11 टाइम्स, एंड इट्स बेसिक फंक्शन इज टू मूव एयर विद अ पर्टिकुलर रीजनेबल वेलोसिटी विद नेग्लिजिबल इंक्रीज इन प्रेशर. अब नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं ब्लोअर. फैन से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर रेशियो होता है ब्लोअर का. ठीक है, तो फैन का 1.11 तक था, यहाँ पे इसका 1.11 से 1.2 तक का होता है. ठीक है, अब ज़्यादा प्रेशर होता है मतलब ये ज़्यादा रेजिस्टेंस को हैंडल करने के कैपेबल है. ठीक है, ये
डक्ट में यूज होता है, एसी में जो कंप्रेस्ड एयर होती है, जो एयर है उसमें ब्लोअर का यूज करते हैं अपन, ठीक है। हॉट एयर फर्नेस विच नीड मूव एयर थ्रू आउट अ हाउस, दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ ब्लोअर, ठीक है। अदर एग्जाम्पल है जो हेयर ड्रायर हम यूज करते हैं, ठीक है, वो सब क्या कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ब्लोअर। तो ये ब्लोअर ऐसा डिवाइस है जो एयर को मॉडरेट रेजिस्टेंस में मूव कराने के काम आता है। उसमें वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है, इनलेट एयर का प्रेशर और आउटलेट एयर का प्रेशर, ये डिस्चार्ज प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा रेजिस्टेंस को कैरी कर सकता है, ओवरकम कर सकता है, ठीक है। तो हेयर ड्रायर इसका एग्जाम्पल हो गया, जो नॉर्मल ब्लोअर यूज़ करते हैं वो इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट जो हमको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है दैट इज़ कंप्रेशर। अब अगर हमको प्रेशर रेशियो और ज़्यादा चाहिए, ब्लोअर से भी ज़्यादा प्रेशर रेशियो चाहिए, दैट इज ग्रेटर देन 1.2, वी जनरली यूज कंप्रेसर। तो कंप्रेसर का काम क्या रहता है, वो एयर को कंप्रेस करता है। प्रेशर रेशियो 1.2 से ज़्यादा हुआ मतलब अब वो सिर्फ रेजिस्टेंस ओवरकम करने के लिए नहीं है, इट इज़ एक्चुअली यूज टू कंप्रेस द एयर, ठीक है। क्या करता है वो, एयर को कंप्रेस करता है, उसका प्रेशर बढ़ाता है और उसको स्टोर करता है और उसकी कई जगह उसका फंक्शन होता है, जैसे कि टर्बो चार्जर आपने कार में यूज होते हुए देखा होगा, ठीक है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ कंप्रेसर, ठीक है। जनरली कंप्रेसर 3.5 प्रेशर रेशियो तक आसानी से क्रिएट हो जाता है और वो टर्बो चार्जर इतने प्रेशर में 3.5 प्रेशर रेशियो के साथ एयर को इंजन के अंदर भेजता है। आपने देखा होगा हाई प्रेशर में जाती है, इसी इंजन में पढ़ा था कि जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा उतना कम नॉकिंग का फिनोमिना होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि हाई प्रेशर रेशियो में टर्बो चार्जर लगा के हम हाई प्रेशर रेशियो में एयर को अंदर भेजते हैं डीजल इंजन में, और जैसे ही हाई प्रेशर एयर में भेजते हैं तो ताकि हमारे को एनर्जी आउटपुट ज़्यादा मिले, इफिशियंसी ज़्यादा मिले, ठीक है। तो ये जब हम कार में अपनी गाड़ी में हवा भरवाने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो एक मशीन रखता है, उससे आपकी गाड़ी में हवा भरता है, दैट इज अ कंप्रेसर। वो क्या करता है, उस मशीन के अंदर कंप्रेस करके रखता है एयर को, और जैसे ही वो अपने टायर में फिल करता है तो अपने टायर के अंदर का प्रेशर कम रहता है, और उस मशीन में बहुत हाई कंप्रेस्ड एयर की गैस रहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर ट्रेवल करती है और हमारी गाड़ी में हवा भरा जाती है, ठीक है। अब तीनों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कैसे किया गया, फैन मतलब प्रेशर रेशियो अप टू 1.1, ब्लोअर मतलब प्रेशर रेशियो ऑफ 1.1 1.2 1.2, और ग्रेटर देन 1.2 मतलब कंप्रेसर हो गया, ठीक है। तो हमको अभी कंप्रेशर में ही कंसंट्रेट ज़्यादा करना है, तो हम तीन टाइप के कैटेगरी देख लिए, फैन, ब्लोअर एंड कंप्रेसर। तो हम कंप्रेशर में आगे बढ़ते हैं, कंप्रेसर क्या करता है, फंक्शन ऑफ कंप्रेसर टू टेक अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ फ्लूड, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ फ्लूड लेता है, जनरली वो गैस होती है या मैक्सिमम टाइम एयर होती है, और उसको एक हाई प्रेशर में, एक रिक्वायर्ड प्रेशर में डिलीवर करता है। एटमोसफियर से एयर लेगा और एक हाई प्रेशर में डिलीवर करेगा, ठीक है। एयर कंप्रेसर एयर लेता है, उसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है और उसको कहीं पे स्टोर करके रखता है, ठीक। और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो किसी भी पाइपलाइन के थ्रू या किसी भी कन्वीनियंस के थ्रू उसको कंप्रेस्ड एयर को जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे सप्लाई करता है, ठीक है। अब इस कंप्रेसिंग की प्रोसेस के दौरान क्या होगा, हमको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंप्रेसर को चलाने के लिए हमको एक प्राइम मूवर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमको वर्क करना है। तो क्या होगा, प्राइम मूवर एनर्जी लेगा, पार्ट ऑफ एनर्जी इट विल सप्लाई टू द कंप्रेसर एंड पार्ट ऑफ एनर्जी इट विल रिजेक्ट टू द एटमोसफियर, जैसे कि हीट इंजन होता है। और इसके बाद क्या होगा, कंप्रेसर के ऊपर वर्क होगा और एक साइड से एयर जाएगी, लो प्रेशर एयर, और एक साइड से कंप्रेस्ड एयर आएगी। देखिए ये फिगर में देखिए, ये प्राइम मूवर है जो सोर्स से चल रहा है, कुछ हीट रिजेक्ट हो रही है और ये कुछ वर्क कर रहा है किसके ऊपर, कंप्रेसर, बिकॉज कंप्रेसर इज अ पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस, वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। और ये इस दौरान क्या हो रहा है, लो प्रेशर एयर यहाँ पे इनलेट हो रही है और कंप्रेस्ड एयर यहाँ से बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ कंप्रेसर। अब जब कंप्रेसर को क्लासिफाई करते हैं कि कंप्रेसर कितने टाइप के होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, तो कंप्रेसर जनरली टू पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक। पहला होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और दूसरा होता है रोटरी कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मतलब जिसमें कोई एक पार्ट रेसिप्रोकेट करेगा, जैसे कि पिस्टन और सिलेंडर हमने देखा है,
पंप में भी देखा था रेसिप्रोकेटिंग पंप में, तो वैसे ही वहाँ पे पंप में क्या होता था, जो फ्लूड है वो लिक्विड था, अगर वही फ्लूड एयर हो जाएगा तो हम उसको रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बोलेंगे, ठीक है। तो उसमें एक रेसिप्रोकेटिंग पार्ट होता है, रेसिप्रोकेटिंग करके हम कंप्रेस करते हैं एयर को, और रोटरी कंप्रेसर में एक रोटेटिंग एलिमेंट होगा जो कि टर्बो मशीन का बेसिक क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड है। तो अगेन हमको क्या पढ़ना है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हमारे काम का नहीं है इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में हमारे काम का है रोटरी कंप्रेसर, ठीक है। तो अब जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है उस या कोई भी कंप्रेसर है उसको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि अगर वो एक स्टेज में कंप्रेस कर रहा है, मतलब एयर आई एक डिवाइस में गई और वो कंप्रेस होकर निकल गई, तो हम उसको बोलेंगे सिंगल स्टेज कंप्रेसर, ठीक है। लेकिन अगर हमको प्रेशर रेशियो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि एक लिमिट है, एक डिवाइस एक पर्टिकुलर प्रेशर रेशियो तक कंप्रेस कर सकता है, तो सपोज हमारे पास एक कंप्रेसर है जो 3 या 2.5 तक कंप्रेस कर सकता है, लेकिन हमको प्रेशर रेशियो चाहिए 10 का, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2.5 वाले ऐसे चार कंप्रेसर को सीरीज में लगाना पड़ेगा, तब जाके पहले में 2.5 होगा, फिर दूसरे में 5 होगा, फिर 7.5 होगा, फिर 10 होगा, इस तरीके से प्रेशर कंटिन्यूसली बढ़ते जाएगा जैसे जैसे वो, तो इसको बोलते हैं हम मल्टी स्टेज कंप्रेशर, ठीक है। अब इन केस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता है भाई, कि या तो पिस्टन के एक साइड कंप्रेस हो या पिस्टन के दोनों साइड कंप्रेस हो, ठीक है। हर एक स्ट्रोक में कंप्रेशन होगा तो उसको सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी बोल सकते हैं और डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी बोल सकते हैं। अगेन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर अपने बहुत ज़्यादा काम का नहीं है इस टॉपिक में, इस यूनिट में, इस सब्जेक्ट में, तो हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को अवॉइड करेंगे और हम जनरली किसकी बात करेंगे, रोटरी कंप्रेसर की। तो अब एयर कंप्रेसर और क्लासिफाई होता है एयर पंप या एग्जॉस्टर के बीच, यहाँ पे हमको जो मेन जॉब रहता है हमारा इज टू रिमूव एयर फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिस्टम, हमको वहाँ पे एयर को रिमूव करना रहता है। तो हम देखते हैं कि जो एग्जॉस्ट फैन हम घर में लगाते हैं दैट इज़ अ काइंड ऑफ रोटरी कंप्रेसर, वो क्या करता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, अंदर प्रेशर कम करता है, बाहर अपने हवा को बाहर की तरफ फेंकता है। या फिर ब्लोअर और सुपर चार्जर जो जनरली हम थोड़ा सा ज़्यादा हाई प्रेशर में करता है, और जनरली टू इंक्रीज इन प्रेशर विच कैन प्रोड्यूस ए स्मॉल प्रेशर अप टू 1.05 बार, ठीक है। नेक्स्ट इज बूस्टर, जहाँ पे और ज़्यादा हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे हम उसको बूस्टर बोल देते हैं। तो दिस आर द ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर। तो अगेन हमारे काम का क्या है, रोटरी कंप्रेसर है, ओके। तो हम अगेन अब जाएंगे रोटरी कंप्रेसर में इन डिटेल। तो रोटरी कंप्रेसर क्या है, विच डेवलप प्रेशर एंड हैव अ रोटर, इसमें क्या होना चाहिए, एक प्राइमरी एलिमेंट रोटर होना चाहिए और यहाँ पे कोई भी स्लाइडिंग मैकेनिज्म नहीं होगा। स्लाइडिंग मैकेनिज्म कहाँ पे होता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में, यहाँ पे क्या होगा, रोटरी कंपोनेंट होगा जो कि फ्लूड के साथ इंटरेक्ट करके प्रेशर राइज करेगा, ठीक है। जब लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड, व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड एट रिलेटिवली लो प्रेशर, रोटरी कंप्रेसर इज एम्प्लॉयड। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे हमको कम क्वांटिटी ऑफ एयर चाहिए होती है लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन रोटरी कंप्रेसर कहाँ यूज होता है, जहाँ पे हमको क्वांटिटी ऑफ एयर, कंप्रेस्ड एयर की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है, भले ही प्रेशर राइज कम हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो रोटरी कंप्रेसर इज अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। फर्स्ट टाइप ऑफ रोटरी कंप्रेसर इज डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, ठीक। एंड सेकेंड टाइप ऑफ, अब डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर भी चार टाइप के होते हैं, ठीक है। तो रूट्स ब्लोअर, स्लाइडिंग वेंट कंप्रेसर, लाइसन कंप्रेसर एंड स्क्रू कंप्रेसर। डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर जिसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर बोल रहे हैं अपन, वो भी चार टाइप के होते हैं। और सेकंड कैटेगरी होती है स्टडी फ्लो कंप्रेसर, जिसको हम नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर भी बोलते हैं। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक सेंट्रिफ्यूगल कंप्रेसर होता है और एक एक्सियल फ्लो कंप्रेसर होता है, ठीक है। तो अगेन हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ स्टडी रहेगा, इट इज नॉट इन टू डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, हमको ये चारों टाइप कंप्रेसर नहीं पढ़ना है, हमारे जो इस सिलेबस में है दैट इज स्टडी फ्लो कंप्रेसर, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन टर्बो मशीन, वी आर स्टडिंग टर्बो मशीन। तो हमको दो टाइप के कंप्रेसर पढ़ना पड़ेगा, सेंट्रिफ्यूगल कंप्रेसर और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। अब देखते हैं अपन स्टडी फ्लो कंप्रेसर। द कंप्रेसर इन विच कंप्रेशन ऑकर बाय ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम अ रोटर आर कॉल्ड स्टडी फ्लो कंप्रेसर। स्टडी फ्लो कंप्रेसर किसको बोलेंगे, जिसमें कंप्रेशन होगा, क्यों, कैसे होगा कंप्रेशन, एक रोटर रोटेट करेगा और वो अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेगा जिस फ्लूड को हमको कंप्रेस करना है, ठीक है। अब स्टडी फ्लो कंप्रेसर हमने देखा, इट कैन बी सेंट्रिफ्यूगल कंप्रेसर और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर।
जहाँ पे लो प्रेशर की जरूरत होती है, प्रेशर रेशियो की जरूरत होती है, लाइक 4:1, वहाँ पे हम जनरली सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हल्का होता है, लाइट होता है वेट, एंड एबल टू ऑपरेट इफेक्टिवली आसानी से, और उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। ठीक, फॉर हायर प्रेशर रेशियो वी हैव टू यूज एक्सियल फ्लो कंप्रेशर बिकॉज इट इज मोर इफिशियंट। ठीक है, तो जनरली जो इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होता है वहाँ पे एक्सियल फ्लो कंप्रेसर यूज होता है, क्योंकि वो उसका प्रेशर रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। या फिर अगर हमको अगेन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर ही यूज़ करना है तो एक एक्सियल फ्लो कंप्रेसर की जगह हमको 2 या 3 सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर अगर हम सीरीज में लगा देंगे तो उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, एयरक्राफ्ट में जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे एक्सियल फ्लो कंप्रेसर ही यूज होता है। ठीक है, ओके। अब एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का डिसएडवांटेज क्या है कि उसकी लेंथ बड़ी होती है, और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का डिसएडवांटेज क्या है, उसका एरिया बड़ा होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हम जहाँ जनरली यूज़ करते हैं जहाँ पे सिंप्लिसिटी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, लाइट वेट रखना रहता है हमको, क्योंकि एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का वेट बहुत ज़्यादा होता है, इफिशियंसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है, और उसका वेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उसका वेट हमको कम रखना है। ठीक है, अब देखते हैं अपन कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में एडवांटेज डिसएडवांटेज देते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का एडवांटेज क्या होता है, सबसे पहले तो उसकी लेंथ कम होती है, हमने देखा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, जो आपने घर में देखा है ना सेंट्रीफ्यूगल पंप, दैट इज अगेन अगर उसमें फ्लूड चेंज हो जाएगा, हमारा गैस चेंज हो जाएगा तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर बोल सकते हैं उसको। ठीक है, उसकी लेंथ बहुत कम होती है। ठीक, वो अगर थोड़ा एटमॉस्फेयर में कुछ गड़बड़ी भी है या कुछ धूल मिट्टी भी है तो भी उसके परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, इट कैन परफॉर्म ओवर अ वाइड रेंज ऑफ मास फ्लो एट एनी स्पीड, कोई भी स्पीड में वो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ मास फ्लो में वर्क कर सकता है। सस्ता होता है ये, चीपर टू प्रोड्यूस, रोबस्ट होता है ये, जल्दी ख़राब नहीं होता। जब हाई अल्टीट्यूड में जाते हैं तो क्या होता है, जब प्रेशर बढ़ता है तो आइसिंग की प्रॉब्लम होती है, आइसिंग ट्रबल हम देखेंगे डिटेल में आइसिंग ट्रबल क्या होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल में वो चीज़ नहीं होती है। डिसएडवांटेज क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में, इसका फ्रंटल एरिया बहुत बड़ा होता है। अभी अगर नेक्स्ट क्लास में इसका फिगर देखेंगे तो हमको पता लगेगा कि इसका जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, जब हम उसको सामने से देखेंगे तो ये बहुत बड़ा होता है, और इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कम होती है। ठीक, सेंट्रीफ्यूगल पंप आर यूज्ड इन जनरली यूज्ड इन सुपर चार्जर और टर्बो प्रॉप। ठीक है, तो दिस आर अच्छी क्लास में हमने क्या देखा कि फैन ब्लोअर और कंप्रेसर तीनों में मेन डिफरेंस क्या होता है, फिर हम कंप्रेसर को कैटेगराइज करना चालू किए कि कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग होता है, रोटरी होता है, फिर अगेन हमारे काम का रेसिप्रोकेटिंग नहीं है। रोटरी में भी हमने देखा 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को स्टडी फ्लो कंप्रेसर भी बोलते हैं। अगेन स्टडी फ्लो कंप्रेसर जो हमको पढ़ना है वो भी 2 टाइप के होते हैं, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का एप्लीकेशन ये कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे प्रेशर रेशियो कम होता है, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर जहाँ पे प्रेशर रेशियो ज़्यादा होता है। ठीक, उसके एडवांटेजेस देख लिए अपन ने सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के ऊपर, और उसके डिसएडवांटेजेस भी देख लिए। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा एक छोटा सा डेरिवेशन देखेंगे, और उसके बाद हम सीधा आएंगे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। थैंक यू।